आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत जैन तीर्थ। यह जो तीर्थ है यह दिल्ली अमृतसर हाईवे पर बना हुआ है और यह लुधियाना से 20-25 किलोमीटर पहले आता है। पहले जैन धर्म के लोगों ने यहाँ पर वनस्थली का निर्माण किया था। अभी उन्होंने यहाँ पर मणि लक्ष्मी धाम का उद्घाटन किया है। मेरा निवेदन है कि आप हमारी यह वीडियो बिना स्किप किए पूरी जरूर देखिएगा। प्रणाम, मैं सप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। तो आज हम आपको घुमाने के लिए लेके आए हैं श्री मणि लक्ष्मी धाम जैन तीर्थ है ये। और इधर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा और सुंदर पंडाल लगा हुआ है जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुआ है और इसके जो मणि लक्ष्मी धाम है इस पर अरबों रुपए खर्च हुआ है और तकरीबन 2 से 1.5 साल में यह बनकर तैयार हो गया था। चलिए हम सभी इस दोनों जगह के दर्शन करते हैं। यह है मंदिर का मुख्य द्वार। अभी हम मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर देश विदेश से लोग घूमने के लिए आए हुए हैं। इस मंदिर का उद्घाटन आचार्य श्रीमद् विजय नित्यानंद जी महाराज ने किया है और उनका सत्संग पंडाल में चल रहा है। हम उनके भी दर्शन करेंगे पर पहले हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। मंदिर के सामने बहुत ही खूबसूरत रंगोली बनाई हुई है। यहाँ पर मंदिर के साइड में एक और मंदिर बनाया हुआ है जिसके हम दर्शन कर रहे हैं। इधर आप देख सकते हैं भगवान महावीर जी की प्रतिमा लगी हुई है और लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। मंदिर एक हाथी की प्रतिमा के साथ हमारा स्वागत करता है। इससे पहले जो वनस्थली बनाया हुआ था वहाँ पर भी भगवान महावीर जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा लगाई हुई थी। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर भी आते हैं और आप भी जब इस मंदिर के दर्शन करने आएँ तो वनस्थली भी ज़रूर घूमें। यहाँ के पिलरों पर बहुत ही खूबसूरत चित्रकारी की हुई है। यह पूरा मंदिर जो आप देख सकते हैं ये सारा ही संगमरमर से बना हुआ है और इस मंदिर को सफ़ेद रंग देने की कोशिश की गई है। और हम जानते ही हैं कि जो सफ़ेद रंग है वह शांति का प्रतीक है। यहाँ पर आप भगवान महावीर जी की जो भी प्रतिमा देखेंगे ज़्यादातर प्रतिमा आपको सफ़ेद रंग की ही दिखाई देगी। और आप यह बात भी जानकर हैरान होंगे कि इस मंदिर को बनाने के लिए कोई भी रेता या फिर सीमेंट की उपयोग नहीं हुआ है। इस मंदिर को बनाने के लिए सिर्फ वाइट कलर का चूना ही इस्तेमाल में लाया गया है जो कि इस मंदिर की खूबसूरती को और भी ज़्यादा निखारता है। यह मंदिर पब्लिक के लिए 8 जून से खुल जाएगा तो आप भी आकर यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि आप अपने मित्रों रिश्तेदारों एवं परिवार वालों के साथ ज़रूर आइए और इस मंदिर की खूबसूरती को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है जिसकी हमें पालना ज़रूर करनी चाहिए। अभी आप देख रहे हैं भगवान महावीर जी की पूरी की पूरी फूलों से ढकी हुई प्रतिमा जो कि बहुत ही सुंदर लग रही है। अभी हम सब ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं तो आइए अब चलते हैं उस पंडाल की ओर
जिसे बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं। और जब हम पंडाल में एंटर करती हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई महल में आ चुके हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस पंडाल का प्रबंध उद्घाटन समारोह में उपस्थित होने वाले श्रद्धालुओं के लिए 30 मई 2023 से 6 जून 2023 तक ही किया गया था। यह पंडाल बहुत ही विशाल और सुंदर बना हुआ है। सारा का सारा पंडाल अंदर से एसी है। अब पंडाल में एंटर होते हैं तो राइट साइड में स्टॉल लगे हुए हैं, जहां पर आप टिक्की एवं गोलगप्पे आदि का आनंद ले सकते हैं। आप सामने देख सकते हैं बहुत ही सुंदर फाउंटेन लगे हुए हैं और एक साइड में जूता स्टैंड बना है। तो हम कह सकते हैं कि इस पंडाल में आपको किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आती है। भोजनालय में प्रवेश करने से पहले बहुत ही सुंदर रंगोली बनाई हुई है। यह है भोजनालय, जहां पर आप अपना लंच कर सकते हैं। यह जो आप भोजनालय देख रहे हैं, इस पर बहुत अच्छी लाइटिंग की हुई है और यह पूरा का पूरा एसी है। अभी हम एंट्री करेंगे राज दरबार में, जिसके अंदर आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद जी महाराज अपना परिवचन दे रहे हैं। इस पंडाल को अंदर से देखने में कोई भी नहीं कह सकता कि यह कोई पंडाल है। ऐसा लगता है कि यह कोई बहुत ही खूबसूरत और आलीशान महल बना हुआ है, जिसमें आचार्य श्रीमद विजय नित्यानंद जी महाराज अपना परिवचन दे रहे हैं।
आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप ताजमहल और श्री कृष्ण की जन्मभूमि वृंदावन के भी दर्शन करना चाहते हैं तो उनकी वीडियोस भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं।